अरे हाँ, तुम रेडी रहो, मैं आ ही रहा हूँ। ठीक है ना, मम्मी आ रही है। बेटा अभी उठो, कॉलेज नहीं जाना क्या तुम्हें? हाँ माँ, आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आइए, मैं आ रहा हूँ। पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ ना, ठीक है? आप अपना ख्याल रखना। आप दोनों अपना ख्याल रखना, और अब मैं चलता हूँ कॉलेज के लिए। ठीक है ना, लेट हो रहा हूँ। ओके, आप दोनों अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। बाय बाय। ध्यान से जाना बेटा, ठीक है? हाँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आराम से जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना, जल्दी आ जाऊंगा वापस। चलो, कामना भी आ गई है, मेरा इंतज़ार कर रही है। चलो बाबू, चले। हाँ मेरी जान, चलते हैं, लेकिन आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे, आज हम घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है? चलो फिर, ठीक है, आज घूमने के लिए चलेंगे, लेकिन आओ तो सही, बैठो गाड़ी में, चलो चलते हैं। चलो आज हम घूमते ही हैं, वैसे भी रोज़ कॉलेज जा रहे हैं, आज थोड़ा घूम लेते हैं, मज़ा आएगा। चलो मैं गाड़ी को यहीं पर रोकता हूँ। आओ इधर आओ, तुम्हें कुछ बोलना है? कुछ बोलूँ? हाँ बोलो ना अभी। कामना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई लव यू। हाँ मैं जरूर करूंगी, आई लव यू टू। अभी सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मुझे डर लग रहा है। हाँ बोलो, क्या हुआ? बेझिझक बोल दो मुझे, क्या बोलना चाहती हो? लेकिन डर क्यों रही हो? वो क्या है ना, मैं तुमसे शादी तो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पापा मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। अरे तो इसमें डरने की क्या बात है? तुम्हारे पापा को मेरे बारे में नहीं पता है। मैं चलता हूँ ना, आज हम दोनों की शादी की बात करेंगे। ठीक है? ठीक है फिर चलो, अभी लेट मत करो, अगर मेरी शादी होगी तो देखते रह जाओगे। और फिर क्या था, अभी की गर्लफ्रेंड कामना उसको अपने घर ले आती है, उसके पिताजी को बताने के लिए कि वो अभी से बहुत प्यार करती है और उसको अभी से शादी करनी है। चलो आओ अभी अंदर आओ। हाँ चलो, आया। बोलो कहाँ है तुम्हारे पापा? इधर आओ मेरे साथ, इधर अंदर है पापा। हेलो। अरे बेटा, तुम कॉलेज से आ गई, और ये कौन है तुम्हारे साथ? पापा ये वही लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ। आप मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं ना, लेकिन मुझे इससे शादी करनी है, इसका नाम अभी है। क्या ऐसी बात है? इसलिए तुम इस लड़के को अंदर लेकर आई हो घर में? हाँ, कोई तमीज़ वमीज़ है नहीं है तुम्हें? मुझे कहीं और शादी नहीं करनी, मुझे इसी के साथ शादी करनी है। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम ऐसा करो, पहले ऊपर जाओ, मैं उससे कुछ पर्सनल बातें करूंगा। जाओ ऊपर तुम। ठीक है पापा, मैं जाती हूँ, लेकिन मैं इसी से शादी करूंगी। हाँ तुम ऊपर जाओ। सुनो लड़के, तुम्हें अगर मेरी बेटी से शादी करनी है ना, तो तुम्हें मैं 1 महीने की मोहलत देता हूँ। मेरे पास तुम 5 लाख रुपए अपनी मेहनत के लेकर आओ, तब जाकर मैं मेरी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। ऐसा नहीं कि तुम पैसा किसी से उधार लेकर आ जाओ, अपनी मेहनत की कमाई का पैसा लेकर आना, 5 लाख रुपए 1 महीने की। अगर नहीं ला पाए तो मेरी बेटी की शादी मैं किसी और से कर दूंगा। तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है। हाँ ठीक है, मैं अपनी मेहनत की कमाई से 1 महीने के 5 लाख रुपए लाकर आपको दूंगा, और आपकी बेटी को अपने साथ ब्याह कर ले जाऊंगा। आप देखते रहिएगा। अगर नहीं ला पाया तो मेरी बेटी की शादी जिससे मैं चाहता हूँ उससे मैं कर दूंगा, समझा? अब जा, 1 महीने में 5 लाख रुपए लेकर आ जाइयो। हाँ ठीक है, मुझे आपका चैलेंज मंजूर है, मैं ले आऊँगा। ठीक है फिर, ये तो अच्छी बात है, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी किसी फकीर के साथ रहे। आपकी बेटी को मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं रख सकता। सुनो, अब मैं 1 महीने बाद ही आऊँगा, जो तुम्हारे पापा ने मुझे चैलेंज दिया है वो पूरा करके ही आऊंगा। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना, तो मैं मर जाऊंगी, देख लेना। जान ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें मैं अपने साथ डोली में बिठाकर यहाँ से लेकर जाऊंगा। जो तुम्हारे पापा को मैंने चैलेंज दिया है वो मैं पूरा करके रहूंगा, तुम चिंता मत करो। 1 महीने बाद आता हूँ, या फिर उससे पहले ही आ जाऊंगा अगर मेरे पास पैसे हो गए तो। तुम अपना ध्यान रखना।
और फिर क्या था, जैसे ही कामना के पिताजी अभी को बोलते हैं, तुम एक महीने में मुझे अपनी मेहनत के 5 लाख रुपए लाकर दो, उसके बाद ही मैं मेरी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। फिर क्या था, अभी अपने घर वालों को बोलता है कि मैं अब कॉलेज छोड़ रहा हूँ, मुझे अब काम करना है और बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने हैं। ये बात बोलकर अभी अपने काम की ड्रेस पहनकर काम के लिए निकल जाता है। वो एक सेठ के पास जाता है जहाँ पर वो कभी कभी काम पर आया करता था। भैया भैया सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है, अब मैं आपके यहीं पर काम करूँगा। काम तो तू पहले भी करता था, लेकिन कभी कभी अब की बार कुछ स्पेशल करने आया है क्या? हाँ, अब की बार मैं कुछ स्पेशल करूँगा, क्योंकि मैं बहुत सारा काम करूँगा जिसकी वजह से आप मुझे अच्छी तनख्वाह दोगे। चल फिर ठीक है, तो लग जा काम पे। फैक्ट्री का सेठ अभी को काम पर लगा लेता है। फिर क्या था, जैसे अभी काम करता रहता है तो उसको काम करते करते शाम हो जाती है। चलो सभी वर्कर्स आ जाओ, आज शाम हो चुके हैं, काम की छुट्टी है, आज तुम्हें मैं थोड़ा जल्दी ही छोड़ रहा हूँ, और अपनी तनख्वाह भी ले लो। आज तुम्हें काम करने में इतना खो गया, मुझे पता ही नहीं चला शाम हो गई है। चलो मुझे तो नाइट ड्यूटी भी करनी है, सेठ जी से बोल दूंगा। आज तो बहुत काम किया तुमने, अभी ये लो तुम्हारे पैसे और जाओ, ठीक है? मुझे अभी तो और काम करना है, अभी नहीं जाना। क्या हुआ अभी, कुछ पैसे कम पड़ गए क्या? हाँ नहीं सेठ जी, मुझे और काम करना है, मुझे नाइट में भी यहाँ पे काम करना है, मैं एक महीने तक बहुत मेहनत करूँगा, दिन रात मुझे काम करना है। अच्छा, तो डबल शिफ्ट काम करोगे, ठीक है फिर लग जाओ काम पर, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मैं दे दूंगा, जाओ। थैंक यू मुझे काम पर लगाने के लिए, अब मैं इतना काम करूँगा आप सोच नहीं सकते। अच्छी बात है, ज्यादा काम करोगे ज्यादा पैसा मिलेगा, अब मैं सुबह आता हूँ। और फिर अभी फैक्ट्री में काम करने के लिए लग जाता है, उसको काम करते करते रात से फिर सुबह हो जाती है। अगले दिन फैक्ट्री का सेठ आ जाता है। मुझे तो लग रहा है वो लड़का अभी सो नहीं सो रहा, अभी तुम अभी तक काम कर रहे हो, सोए नहीं रात को? नहीं सेठ जी, मुझे सोना नहीं है, मुझे लगातार काम करना है, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, कम से कम एक महीने में 5 लाख रुपए, इसीलिए मैं इतना काम कर रहा हूँ। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम अभी जाओ आराम करो, ठीक है? जितना तुम काम करोगे उतना मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ। अभी को पता था एक काम से वो 5 लाख रुपए अपनी मेहनत के इकट्ठा नहीं कर सकता, इसीलिए वो बहुत सारे काम करने लगा। जो काम उसे मिलता वो काम करने लग जाता, ताकि उसको अच्छे खासे पैसे मिल सके। उसको एक महीने में आखिर 5 लाख जो इकट्ठे करने थे। और उधर दूसरी तरफ कामना अभी का इंतज़ार कर रही थी कि अभी आएगा और उसको यहाँ सर डोली में बिठा कर ले जाएगा। अरे सर जी, अभी यहाँ पर नहीं है भाई, तुम्हारे काम का पैसा मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन उधार नहीं दे सकता। भले तुम काम करोगे कुछ भी करोगे, लेकिन उधार नहीं दे सकता, ठीक है? जो तुमने काम किया है उसके पैसे आओ ये ले लो, ठीक है? ठीक है, फिर सेठ जी यहाँ पर नहीं है तो आप कहाँ से देंगे मेरे को पैसे? चलो अब मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय बाय। अब मुझे कम से कम 3 लाख रुपए चाहिए, मैं अपनी कार बेच देता हूँ। अभी के पास अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसे तो 2 लाख ही हुए थे, उसको अभी तो 3 लाख रुपए और चाहिए थे। अब उसके पास कोई चारा नहीं था पैसे लाने के लिए, तो उसने क्या किया, अपनी कार को बेच दिया। ठीक है भाई, मैं इस कार की कंडीशन देख लेता हूँ, कंडीशन तो अच्छी है, चल मैं तेरे को उसको 1.5 लाख रुपए दे सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, और नहीं दे सकता। ये ले 1.5 लाख, लेना है तो लो, वरना अपनी कार ले जाओ। नहीं नहीं, मैं पैसे लेकर जा रहा हूँ, थैंक यू मुझे मेरी कार के लिए 1.5 लाख रुपए देने के लिए, अब मैं चलता हूँ। चलो 3.5 लाख तो हो गए, अब और करने हैं 1.5 लाख। आज मेरे पास आखिरी दिन है, अगर कल मैं पैसे लेकर नहीं गया तो मेरी जान की शादी उसके पापा किसी और से कर देंगे,
अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। 1.5 लाख कहां से लाऊं आज रात रात में। अभी जब पैसों के बारे में सोच ही रहा होता है तभी उसके पास 2 आदमी आते हैं और वो उसको बोलते हैं कि तुम हमारे लिए एक काम करोगे तो हम तुमको जितने चाहे उतने पैसे दे सकते हैं। तो अभी उनको बोलता है मुझे ज़्यादा तो नहीं, आप कम से कम 1.5 लाख रुपए दे दीजिए, आप जो बोलोगे वो काम मैं कर दूंगा। हमने तुम्हें जो ये बक्सा दिया है ये तुम नदी पार करा दो, तुम्हें तुम्हारे 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे शाम तक, लेकिन पुलिस से सावधान रहना। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं आपका पैसा नदी पार पहुंचा दूंगा। चलो, यहीं पे उन्होंने बोला था पुलिस। अरे यार, यहाँ पे तो पुलिस सामने ही खड़ी है, ये मुझे रोक रहे हैं। अबे रोक रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, चल गाड़ी रोक, चल नीचे उतर, घर से उतर जा नीचे। इधर आ, क्या लेके जा रहा है अपने साथ में? हाँ चेकिंग करा अपनी, निकाल जो भी है तेरे पास, बाहर निकाल। क्या क्या निकालूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे जाने दीजिए, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। ए लड़के, ज़्यादा होशियारी मत कर, जो भी तेरे पास है निकाल दे, समझा? मुझे पता है तू यहाँ से ड्रग्स लेकर जा रहा है, निकाल दे जो भी तेरे पास, बक्सा बक्सा जो भी हो, जिसके अंदर भी तेरे पास ड्रग्स पड़े हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। अच्छा भाई ठीक है, जो भी है तेरे पास वो बाहर तो निकाल, देखो तो सही क्या है तेरे पास और क्या लेकर जा रहा है तू, निकाल निकाल। ये लीजिए, निकालता हूँ, ये मुझे किसी और ने दिया था, उन्होंने बोला नदी पार करवानी है, यही है वो बक्सा। ये लीजिए, ये तो पकड़ा गया, ये तो ड्रग्स का बॉक्स है, स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। अब बोल, चल बैठ गाड़ी में, बैठ बैठ, अब तेरे को जेल होगी, कमीने कहीं के ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। चल बेटा, अब तो तू लंबा जाएगा जेल में। इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता था इसमें ड्रग्स है, ये तो मुझे किसी और ने दिया था, मैंने कुछ नहीं किया। उधर अभी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और इधर दूसरी तरफ कामना की शादी की बात चल रही होती है। सारी तैयारी हो गई ना? ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए खातिरदारी में। मैं ऊपर जाता हूँ। बेटा सुनो, क्यों तुम उस लड़के का इंतजार कर रही हो? अगर उसको आना होता तो वो 1 महीने के अंदर कभी भी आ जाता, लेकिन वो नहीं आया, उसको भूल जाओ तुम। नहीं पिताजी, मेरा अभी आएगा और मैं उसी से शादी करूंगी, उसने मुझे बोला था, आज वो आएगा, पक्का आएगा वो। अगर वो अभी आ जाता है तो ठीक है, वरना तुम्हारी शादी मैं आज ही करने वाला हूँ, बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, तैयार होकर आ जाना जब मैं बोलूँ। अभी तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, अगर तुम नहीं आए और मेरी शादी किसी और से हो गई ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे मर जाना पसंद होगा लेकिन किसी और के साथ जीना नहीं। अभी तो उस दिन वहाँ पर नहीं आ सकता था क्योंकि उसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी, लेकिन वो लोग आ गए जो कामना के लिए आए थे। आइए आइए समधी जी, आप ही का इंतजार था, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, आपने तो लेट कर दिया, चलिए अंदर चलते हैं। इधर कामना को क्या पता था अभी को पुलिस पकड़ कर ले गई है, वो अभी का इंतजार कर रही होती है लेकिन अभी नहीं आता और उसको बुलाने के लिए नीचे से कोई और आ जाता है। अब क्या था, कामना को चलना ही था उसके साथ, फिर वो उसके साथ नीचे चली जाती है। नीचे जाने के बाद वहाँ पर सब उसी का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनकी शादी जो होने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे को प्यार वाला इमोड़ दिखाइए, आपकी शादी संपन्न हुई। जैसे ही कामना की शादी होती है उसको अपने घर से विदा भी कर दिया जाता है। दामाद जी, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, ये भी आपका अच्छे से ख्याल रखेगी, ध्यान रखना बेटा। गाड़ी रोकिए। अरे क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो इतना, क्या करोगी यहाँ पर रुक के बेटा? मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना जिससे मैं शादी करना चाहती थी, मेरी शादी उससे नहीं हुई, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। माँ ये क्या हुआ, कामना ने तो आत्महत्या कर ली।
उधर कामना ने कार के सामने कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली, क्योंकि जिसे वो चाहती थी वो उसकी नहीं हो पाई, इसलिए उसने अब जान लेना जीने से बेहतर समझा। और इधर दूसरी तरफ जब अभी जेल से छूटता है तब उसे जाकर पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड ने तो आत्महत्या कर ली, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सब पता चलने के बाद अभी सोचता है अब मैं भी जीकर क्या करूँगा, जिससे मैं प्यार करता था उसने मेरे लिए आत्महत्या कर ली, तो अब मैं भी जीकर क्या करूँगा। फिर क्या था, अभी भी नदी में कूद कर अपनी जान दे देता है। हेलो गाइस, यार तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, तो यार फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।